मैं आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाड़ के साथ सत्ता को अपनी पपोती बना करके आज भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं।